हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज मैं आपको ये राउंड शेप में टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आप इसको हाफ सर्कल बना के जितना मैंने बना रखा हो और आप यहीं पे फंदे आप अगर हम बंद कर देंगे तो ये हमारा डोरमेट बन जाएगा हाफ शेप का। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। और थोड़ा सा और बड़ा बना के इसको आप पूजा का आसन भी बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चुन्नियों से बनाया है। चुन्नी की मैंने इतनी चौड़ी चौड़ी मैंने पट्टी बनाई है और 8 नंबर की मैंने इसमें निडल का यूज किया है। तो मैं स्टार्टिंग से ही बताऊंगी फ्रेंड्स कि मैंने इसको कैसे बनाया है। देखिए, इसमें मैंने सिंपल फंदे डालने हैं, बिगिनर्स भी इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए, सिंपल एक नोट लगाई और ऐसे इसमें मैंने फंदे डाले हैं, बिल्कुल सिंपल। ये देखिए, बाकी आपको अगर फंदे डालने आते हैं तो जैसे आप डालते हो वैसे भी डाल सकते हो, लेकिन बिगनर्स के लिए ये सबसे इजी तरीके के फंदे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने 30 फंदे डाले हैं, सिंपल 30 फंदे डाले हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया है। ये रो हम ऐसे ही उतार लेंगे, थोड़ा सा आप इसको आराम से उतारिए। जितने भी आपने फंदे डालने हो आप फर्स्ट रो ऐसे ही उतार लीजिए। ये लास्ट वाले को भी हम इसे बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए, फर्स्ट वाला हम ऐसे ही उतार लेंगे और इसको भी फ्रेंड्स आप इसी के साथ भी ले सकते हो। अब देखिए, अब हम अपनी कली बनाना शुरू करेंगे। और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। 3 फंदे मैंने छोड़ दिए और ये फर्स्ट वाला ऐसे उतार के और ये मैं एंड तक इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कंप्लीट होने वाली है। अब मैंने इसमें दूसरा ज्वाइंट लगाना है, तो ये आपको दिखाने के लिए मैंने बनने से पहले ही आपको ये दिखाई है। देखिए, ऐसे हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे। इसलिए मैंने इस रो को कंप्लीट नहीं किया ताकि ज्वाइंट मैं कैसे लगाती हूँ आप भी देख लीजिए। लास्ट वाले को देखिए, पट्टी को पीछे घुमा के इसको हम सीधा बनाएंगे। हर बार आपने इसको सीधा बनाना है और इस साइड से आपको ऐसे ही इसको उतारना है। ऐसा करने से फ्रेंड्स देखिए, जो हमारे किनारे की जो फिनिशिंग है ये अच्छी आएगी। ये रो मैं आपको एक बार और उतार के दिखा दूं, फिर मैं इस गली को कंप्लीट करके आपको दिखाऊंगी। तीन फंदे हमने पहले छोड़े थे, 3 हम इस बार छोड़ देंगे। ये देखिए,
और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। ये मैंने तीन तीन का पेड़ बनाया फ्रेंड्स। अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप चार चार फंदे भी छोड़ सकते हो, पांच पांच फंदे का भी पेड़ आप बना सकते हो। और जितने आपको मर्जी इसमें कलर लगाने हैं, जो भी आपके पास घर में है, आप उसी से इस डोरमेट को बना सकते हो। ये देखिए, इसको हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं तीन तीन फंदे छोड़ती हुई मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, उसके बाद फिर हम अगली कली की कैसे स्टार्टिंग करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए, यहाँ तक मैंने छोड़ दिए हैं, ये लास्ट वाले बचे हुए हैं, आप इनको भी देख लीजिए। ये लास्ट वाले भी हमने छोड़ दिए और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। किनारे वाले को हम सीधा बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, तीन तीन करके मैंने आपको दिखाई देंगे सारे ही फंदे मैंने छोड़ दिए हैं। कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, देखिए, फर्स्ट वाले को उतार लेंगे और जितने भी हमने फंदे छोड़ रखे हैं ये हम सारे ही बना के कंप्लीट करेंगे। कली पूरी होने के बाद आपने ये सारे ही फंदे बना के इस रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, अब देखिए इस साइड से ये हमारी रॉन्ग साइड है, ये देखिए हमारी राइट साइड की किनारा सा आपको दिखाई देगा। तो जब भी अगर आपको फ्रेंड्स एक ही कलर से बनाना है तो आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना, ये रो आप ऐसे उतार के और फिर से इस रो में आप तीन तीन फंदे छोड़ना शुरू कर देना। और अगर आप इसमें सेकेंड कलर आप इसमें ऐड करो तो देखिए, मल्टी कलर के मेरे पास ये चुन्नी थी तो इसको हम यहाँ से कलर को हम लगा लेंगे। इसको खींच के आप यहाँ पे टाइट कर दीजिए और ये है इसके अंदर, आप इसको साथ साथ ले लीजिए। यहाँ पे आपको नोट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स आप चुन्नी या साड़ी से हम बनाते हैं तो हमारा ज्वाइंट इसमें इजीली लग जाता है। देखिए, इसमें मैंने कहीं पर भी नोट आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि पट्टी को आप पट्टी के अंदर लेके और आप ऐसे ही बना दोगे तो आपका ज्वाइंट लग जाएगा। और जब भी आप कलर लगाओ तो आप रॉन्ग साइड से ही आप इसमें कलर ऐड करना। और फ्रेंड्स, हर कली आप अलग अलग कलर की भी बना सकते हो, ये रंगोली टाइप से बन जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए किनारे वाले को, सॉरी, ये हमने कलर ऐड किया है तो इसको हम इस बार ऐसे सीधा ही बनाएंगे और इसको ऐसे उतार लेंगे। और इस रो को हम बनाएंगे। देखिए कलर हमारा इसमें लग गया है। अब दोबारा फिर से हम कली की शुरुआत करेंगे। तो ये बनाना बहुत ही फ्रेंड्स इजी है। जिसको थोड़ा बहुत भी उल्टा सीधा बनाना आता होगा वो आसानी से इसको बना लेगा। और हमें कोई भी चीज़ मार्केट से नहीं लेके आने, इसके लिए सब कुछ हमारे पास घर में ही है। ये देखिए, तीन फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। जो भी आपके पास लेगिंग, टी शर्ट, कुर्ती, साड़ी, चुन्नी, कोई भी आपके पास मटेरियल है तो आप उसी की पट्टियां बनाकर, अगर आपके पास मोटी नीडल है तो फ्रेंड्स आप उसमें मोटी नीडल्स का यूज करना, छह या सात नंबर की। ये देखिए, लास्ट वाले को अब हम सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको दिखाई देगा ये किनारा हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए,
ये हमने कली की शुरुआत कर ली। अब फ्रेंड्स तीन फंदे मैंने छोड़ दिए, तीन तीन करके मैं ऐसे एंड तक छोड़ दूंगी, फिर मैं सारे फंदे बना लूंगी। और फिर से आपने दोबारा अगर ये कलर लगाना है तो सेम वही जिससे आपने स्टार्टिंग की, नहीं तो आप कोई भी कलर इसमें आप ऐड कर लीजिए। देखिए जब आप कंटिन्यू बनाओगे तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से कुछ इसकी लुक आएगी। मैं इस पे आपको फंदे बंद करने बताती हूँ, हमें इसको फंदे बंद कैसे करने हैं। ये देखिए मैंने हाफ सर्कल बनाया है, ये देखिए ये छोटा सा फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपको लगे कि होल है तो आप इसको ऐसे सुई से आप ऐसे इसको सील भी सकते हो, ये बिल्कुल छोटा सा है। देखिए फंदे आपने वाइंड अप कैसे करने हैं, दो का एक किया, फिर से इसमें डाला वापस, ध्यान से देखिए, फिर से दो का एक किया, फिर हम इसमें डाल लेंगे एक फंदा इधर से लेंगे, सारे ही फंदे आपने ऐसे बंद करने हैं। ये देखिए ये हमारे फंदे यहाँ पे बंद हो गए। तो फ्रेंड्स मैं सारे आपको बंद करके दिखाती हूँ। ये देखिए सारे ही फंदे मैंने बंद कर लिए हैं, एंड देख लीजिए आप एक बार इसका, ये लास्ट का फंदा भी हम दो का एक ऐसे कर देंगे। और इसको फ्रेंड्स थोड़ा सा आप ऐसे खींच लीजिए, और ये जो हमारी पट्टी है इसको इसके अंदर से डाल के आप इसको ऐसे पक्का कर दीजिए। यहाँ से बाद में हम इसको सीजर से काट देंगे। ये देखिए ये हमारी रॉन्ग साइड है। देखिए फ्रेंड्स अगर आपको कोई ऐसा दिखाई दे तो आप उसको सीजर से काट दीजिए, बाकी इसमें नोट कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगी। और ये देखिए हमारी राइट साइड है। तो फ्रेंड्स अगर आपको डोरमेट बनाना है तो आप हाफ सर्कल भी बना लीजिए, और अगर आपको पूजा का आसन बनाना है तो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। और फ्रेंड्स जब आप एंड करो यहाँ पे आप इसका, तो आप ऐसी कली बनाना जब भी आपका एंड यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ऐसे कर देंगे हम ये कली तो ये कली चौड़ी दिखाई देगी फिर आपके डोरमेट में। इस कली पे आप इसका एंड करिए, इस वाली कली पे जो भी इसके आगे हो उसी कली से आप इसका एंड करिए। और अगर आप मल्टी कलर से बनाओ तो फिर आप किसी से भी इसका एंड करिए, उससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डोरमेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।